हमारे दिवंगत जगन्नाथ महतो थे जो एक नियमावली दिए सहायक अध्यापक के रूप में, और उस नियमावली में हमें सीटेट का भी उल्लेख था, ईपीएफ देने के भी बात थी और वेतनमान का भी चर्चा था। माननीय जगन्नाथ महतो रहते तो आंदोलन का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उनके मरने के बाद ये प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के बाद ये सहायक अध्यापक की कोई और इनका कोई ध्यान नहीं। राजधानी रांची में एक बार फिर से पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास तक कुछ करना है, लेकिन 144 इम्प्लीमेंट होने की वजह से वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। इस वक्त बहुत सारे हमारे जो सहायक अध्यापक संघ के जो नेता है कृषि संघ के, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। रांची के मुराबादी मैदान में ये लोग जुटे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये लोग चाहते हैं, उन बातों पर बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो जी हैं। महतो जी, एक तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, आखिर डिमांड क्या है, मोटे तौर पर डिमांड क्या है? हमारा मांग एक वेतनमान है, जिसका लड़ाई हम वर्षों से किए जा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार को बनाने में हमारी अहम भूमिका रही है। और इसके तहत हमारे दिवंगत जगन्नाथ महतो थे जो एक नियमावली दिए सहायक अध्यापक के रूप में, और उस नियमावली में हमें सीटेट का भी उल्लेख था, ईपीएफ देने के भी बात थी और वेतनमान का भी चर्चा था। बहुत सा बिंदु जो है संशोधन कर लागू करना था, जिसको अभी तक नहीं किया गया। हमको लगता है माननीय जगन्नाथ महतो रहते तो आंदोलन का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उनके मरने के बाद ये प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के बाद ये सहायक अध्यापक की कोई और इनका कोई ध्यान नहीं। इसलिए इनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। चूंकि महतो जी, इसी सरकार में आप लोगों को जस्टिस मिला और आप लोगों को पारा शिक्षक से उठा करके सहायक अध्यापक बनाया गया। अब आप लोग कह रहे हैं कि जो नियमावली बनाई गई है उसको अक्षरशः लागू नहीं किया जा रहा, उसमें कौन सी बातें हैं जिसको छोड़ दी गई? ये नियमावली दिवंगत जगन्नाथ महतो ने दिया, सहमति से दिया, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक समझौता के तहत हुआ कि आप नियमावली पहले ले लें, पहले सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद जो अगला मांग आपका है वेतनमान का और सीटेट मान्यता का और ईपीएफ वगैरह का, वो सब हम लोग दे देंगे, ये कार चुनाव के पूर्व ही दे देंगे। चूंकि अब सरकार का ये 2024 नजदीक आने जा रहा है, चुनाव करीब में है और ये सरकार वादा की थी अपने चुनाव में कि हम 3 महीना के अंदर वादा पूरा करेंगे, वेतनमान देंगे, लेकिन इनके साथ सहानुभूति विचार करते हुए एक नियमावली जोड़ लिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री के पास प्रभार आने के बाद हमारी ओर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके तहत हम लोग आकर्षित करने के लिए आए, सरकार के विरोध हम लोग नहीं है, सरकार को जगाने के लिए आए कि जो आपने कहा है उस वादा को आप पूरा करें। इसी के लिए हम लोग आज पूरा झारखंड का 62,000 परिवार जग गए हैं, क्योंकि 62,000 चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, सबको वेतनमान चाहिए। आप देखे होंगे कि अल्पसंख्यक विद्यालय में कोई ट्रेंड नहीं है, ग्राम शिक्षा समिति बहाल किया है लेकिन उनको वेतनमान दे दिया गया, तो हमको भी वेतनमान मिलना चाहिए। चूंकि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, पहले तो 10 साल ही काफी था, लेकिन आज हम लोग का कार्यकाल 20 साल हो गया, हमें कोई ट्रेंड की आवश्यकता नहीं है, जबकि हमारे बहुत से लोग टेट किए हैं और सीटेट भी किए हैं और नहीं भी किए तो योग्यता रखते हैं, इसलिए सभी वेतनमान के हकदार हैं और पूरे 62,000 परिवार के हम वेतनमान की मांग कर रहे हैं। ये लग रहा है कि 2024 वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।